आज एक बहुत ही दुर्दैवीय घटना में जिस प्रकार से विस्फोट हुआ और इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा था कि उस कंपनी में, बाजू की कंपनी में और आसपास के घरों में भी लोग जख्मी हुए हैं, कई जगह कांच टूटे हैं, लोगों को काफ़ी बड़े पैमाने पर इसमें जख्म हुआ है। ऐसे सभी लोगों को अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में यहाँ पर लाया गया हुआ है। इस हॉस्पिटल में जहाँ मैं अभी आया हूँ, बड़े पैमाने पर 24 पेशेंट्स अभी यहाँ पर एडमिटेड है, उसमें से कुछ आईसीयू में है, कुछ आईसीयू के बाहर है। हमारा प्रयास ये है कि पहले जो पेशेंट अभी जख्मी है उनको पूरी तरीके से हम मेडिकल एड दें, रिलीफ और मेडिकल एड, इसके ऊपर पूरा प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान अपना केंद्रित किया हुआ है। साथ ही में प्रशासन को हमने कहा है कि इतने बड़े मैग्नीट्यूड का ये विस्फोट हुआ है तो इसकी पूरी जांच की जाए, वो जांच भी की जाएगी, उसके कारण क्या है, उसको जिम्मेदार कौन है, इसकी भी जांच की जाएगी और जितने जख्मी हैं उन सभी को राज्य सरकार की ओर से सारी मेडिकल एड दी जाएगी। दुर्दैव से जिनका मृत्यु हुआ है उनको भी उचित प्रकार से उनके परिवार को सांत्वना देने का प्रयास ये राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है।